आज हम स्टार्ट करेंगे 7 मस्ट डू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन 2x + y = 4 टू द सर्कल x² + y² = 1 पासेस थ्रू द पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमें 2x plus y is equal to 4 वाली लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे x square plus y square is equal to 1 वाले सर्कल के ऊपर, और जो भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा वो एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, वो फिक्स पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। हमारे पास एक सर्कल है x square plus y square is equal to 1, एक लाइन है 2x plus y is equal to 4। इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अगर हमें t मानता हूं तो y कोऑर्डिनेट विल बी 4 minus 2t। लाइन 2x plus y is equal to 4, इस लाइन के अंदर हम x का वैल्यू अगर t पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास आएगा 2t plus y is equal to 4, y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 4 minus 2t। ए वाला जो पॉइंट है यहां से हम दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे इस सर्कल के ऊपर, दिस इज फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज सेकंड टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट बी एंड सी पॉइंट पे गई हैं, बी और सी को ज्वाइन करके वी विल गेट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बी सी। अभी हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बी सी का इक्वेशन लिखेंगे। सर्कल के बाहर अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है, वहां से मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ किया, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन हम लिखते हैं ई इक्वल टू जीरो से t लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट a, a का कोऑर्डिनेट हमारे पास है t, 4 minus 2t, t equal to 0 लिखेंगे, यहाँ पे ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है t, 4 minus 2t, t लिखने के लिए हम x square को रिप्लेस करते हैं x, x1 से, तो x1 का काम हमारे पास t कर रहा है, तो x into t आ जाएगा, प्लस सर्कल की इक्वेशन में हमारे पास इसके बाद है y square, y square को हम रिप्लेस करेंगे y into y1 से, तो y into 4 minus 2t आएगा। सर्कल का इक्वेशन है x square plus y square minus 1 equal to 0, यहाँ पे एक minus 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास chord of contact का इक्वेशन आ गया, यहाँ से अगर हम t common लेते हैं तो हमारे पास आएगा x minus 2y and यहाँ से आएगा 4y minus 1 is equal to 0। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको हम कंपेयर करेंगे L1 plus lambda L2 is equal to 0 से। L1 plus lambda L2 equal to 0, ये जो भी स्ट्रेट लाइन होती है ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, और वो फिक्स पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, L1 and L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे लाइन L1 हमारे पास है 4y minus 1 equal to 0 एंड लाइन L2 है x minus 2y is equal to 0। इन दोनों लाइंस को हम सॉल्व करेंगे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमें y का वैल्यू मिलेगा 1/4, y का वैल्यू 1/4 सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x minus 2 into 1/4 is equal to 0, यहां से x का वैल्यू आ गया 1/2। इसका मतलब है कि वो सारी की सारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास होंगी, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, 1/2, 1/4, ऑल कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट passes through fixed point that is 1/2, 1/4। ये हमारा आंसर है। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फिलो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।